और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा जोधपुर लाइव लेकर चलेंगे जहां पे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दौरा है और तस्वीर आपको दिखाते क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। परिवर्तन की अपेक्षा थी और जिस स्केल पर परिवर्तन की अपेक्षा थी, जिस परिमाप में परिवर्तन की अपेक्षा थी, उस परिमाप में परिवर्तन देश में नहीं हो पाए। सरकारों के सामने संसाधनों की सीमितता, बजट की कमी हमेशा एक चुनौती बनी रहती थी। इसलिए देश की सरकारों में काम करने वाले लोगों ने भी और अधिकारियों में भी सब में एक एक्सपर्टीज डेवलप हो गई थी, एक कुशलता डेवलप हो गई थी कि अभावों में किस तरह से काम किया जा सकता है। योजनाएं बनती थी, योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता था और एक आशा का दीपक गरीब मानवीय के मन में, सामान्य मानवीय के मन में जलाया जाता था। लेकिन संसाधनों की सीमितता के चलते हुए कुछ कतिपय चुने हुए लोगों के तक ही उसका लाभ पहुंच पाता था और साधारण गरीब गांव में बैठा हुआ या विकास की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति दूर से टिमटिमाते हुए उस दिए की रोशनी को देख करके केवल इस बात की आशा ही करता था कि शायद कभी मेरे घर में भी इस तरह का दीपक जलेगा। आजादी के बाद में 6 दशक से भी ज्यादा लंबा समय बीत जाने के बाद में भी देश का सामान्य मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से संघर्ष कर रहा था। पक्का मकान नहीं था, करोड़ों लोगों के पास में 21वीं शताब्दी में आ जाने के बाद में भी जब देश चांद तक पहुंच गया तब तक बिजली नहीं थी। लगभग 10 करोड़ परिवारों के पास में सामान्य गैस का चूल्हा न होने के कारण से उनके जीवन में एक बड़ा संघर्ष विशेष रूप से माताओं बहनों के जीवन में था। सामान्य शौचालय की सुविधा न होने के चलते हुए 30 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता था। देश की लगभग 62% आबादी के पास में आजादी के 62 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद में भी सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश के 84% परिवारों के पास में पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। चिकित्सा के खर्च की चिंता को लेकर के देश का सामान्य मानवी हमेशा ही एक संशय के आवरण से घिरा हुआ रहता था। लेकिन 2014 में जिस संकल्प के साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता के सिंहासन को संभाला, उसके बाद में जो संकल्प उन्होंने देश के सामने व्यक्त किया था कि मेरी सरकार सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी, गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के लिए समर्पित रहकर के काम करेगी। और आज 10 साल के कालखंड के बीच जाने के बाद में हम सब लोगों को निश्चित रूप से इस बात का गर्व अवश्य होता होगा कि देश के बहुसंख्यक ऐसे समाज, देश के ऐसे साधारण मानवी के जीवन को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार ने अवश्य छुआ है और इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने के क्रम में देश की सरकार ने महत्वपूर्ण काम जो है इस पिछले 5-10 साल के कालखंड में किया है।